स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेजिटा एक जगह पर खड़ा होता है और ये प्लेनेट होता है बीरस का। वेजिटा किसी को हवा में देख रहा होता है और वो शख्स होता है गोकू। गोकू बहुत ही स्पीड में हवा में ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस वक्त वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में बहुत ही कामली वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है, वेजिटा अब तुम्हारी मेरी स्पीड के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा अल्ट्रा ईगो इसकी बराबरी कर सकता है? हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस आराम से लेट के गोकू को देख रहे होते हैं। वेजिटा गोकू की बात पे हंसता है और बोलता है, कैकरोट क्या तुम इसे स्पीड कहते हो? मैं अपनी बेस फॉर्म में हूँ और मैं तुम्हारी स्पीड को अभी भी देख सकता हूँ। अब खेलना बंद करो, तुम्हें पता है कि लॉर्ड बीरस हमें देख रहे हैं। लॉर्ड बीरस गोकू को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये सैयन सच में लाजवाब है। जब मैं इसे पहली बार मिला था उसके बाद इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में इसकी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुकी हैं और इसकी ताकत को देख के मुझे यंग बीरस की याद आती है। वेजिटा लॉर्ड बीरस की तरफ देख रहा होता है क्योंकि लॉर्ड बीरस कुछ भी नहीं बोल रहे होते। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस आपके चेहरे पे स्माइल क्यों है? कहीं आप इस जोकर से सच में इंप्रेस तो नहीं है? यामचा भी सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर सकता है। कैकरोट को सिर्फ शो ऑफ करने की आदत हो गई है। एक बारी बस उसे नीचे आने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि असली सुपर स्पीड क्या होती है। वेजिटा के बोलने के बावजूद भी लॉर्ड बीरस उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है, बेवकूफ बिल्ली, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे मास्टर हो और तुमने मुझे अभी तक एक भी चीज नहीं सिखाई है जब से मैंने अपनी इस नई फॉर्म को अचीव किया है। मानना पड़ेगा कि तुम एक बहुत ही महान टीचर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने सिर्फ मुझे इसलिए सिखाना बंद कर दिया है ताकि मैं कहीं तुम्हें सरपास ना कर दूं। इसके बाद वेजिटा आसमान में गोकू की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, क्या करो नीचे आओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मेरी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट आया है। अगर तुम उन चीजों को ट्रेनिंग कह सकते हो जो बीरस ने मुझे सिखाई है। लॉर्ड बीरस आखिरकार वेजिटा की तरफ ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने में इसलिए आलस कर रहा हूँ ताकि तुम कहीं मुझे सरपास ना कर दो? मुझे तो ये बात सुनकर ही हंसी आ रही है। तुम मेरे लिए उतने ही बड़े खतरे हो जितना तुम्हारे फादर मेरे लिए खतरा थे। इसके बाद लॉर्ड बीरस आखिरकार खड़े होते हैं और उनके चेहरे पे एक बहुत ही ईवल स्माइल होती है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि लगता है मेरे खड़े होने का समय आ गया है। वैसे भी लेटे लेटे मेरी कमर कर गई थी, लगता है मुझे थोड़ा सा वार्म अप करने की जरूरत है। अपनी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को अब भूल जाओ, अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी और तुम्हारी ये ट्रेनिंग कोई और नहीं तुम्हारा फेवरेट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेगा। उस दूसरे सैयन को भी नीचे बुला लो, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि हम लोगों में अभी भी कितना बड़ा डिफरेंस है। वेजिटा के चेहरे पे हल्की सी घबराहट आ जाती है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं, पर फिर भी वो कैकरोट को आवाज लगाता है और बोलता है, कैकरोट यहाँ नीचे आओ, प्लान्स थोड़े से बदल गए हैं। लगता है लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करना चाहते हैं और पता नहीं क्यों इस ट्रेनिंग में तुम भी इंक्लूडेड हो। गोकू अभी भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही वो वेजिटा की बात सुनता है वो काफी हैरान होता है। वो बोलता है, क्या लॉर्ड बीरस हमें ट्रेन करना चाहते हैं? गोकू अपने मन में सोचता है कि अगर मैं लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेन करता हूँ तो क्या वो बीरस के साथ चीटिंग होगी? वैसे ये बात थोड़ी सी अजीब है, लॉर्ड बीरस ने आज तक हमें ट्रेन करने के लिए ऑफर नहीं किया है और वैसे मुझे लग रहा था लॉर्ड बीरस सो रहे हैं, क्या वो जाग गए? तभी एकदम से गोकू नोटिस करता है। वो देखता है कि लॉर्ड बीरस जाग चुके हैं। वो लॉर्ड बीरस को देख के समझ जाता है कि उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। वो बोलता है कि वेजिटा मजाक नहीं कर रहा था, बीरस सच में किसी और मूड में है। मैंने लॉर्ड बीरस को ऐसा तब से नहीं देखा है जब से वो धरती पर आए थे और उन्होंने मेरे साथ फाइट करी थी। तभी गोकू थोड़ा सा और सोचता है और उसके चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि लगता है लॉर्ड बीरस को एक रीमैच चाहिए। मैंने पिछली बारी अपनी सुपर सैयन गॉड की फॉर्म में लॉर्ड बीरस को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। इस बारी अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है मैं लॉर्ड बीरस को पूरी तरीके से हरा दूं। इसके बाद गोकू खुश होता हुआ जमीन पर उतरता है और वेजिटा के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो दोनों लॉर्ड बीरस को देख रहे होते हैं। वो वहां आकर लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस तो आप क्या करना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और वेजिटा को एक तरीके की ट्रेनिंग से फायदा होगा। अब जब मैंने और वेजिटा ने दोनों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं ताकतवर बनने के लिए, हाँ अगर आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बात अलग है। मुझे लगता है कि आप मुझसे और वेजिटा से फाइट करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपसे पहले लड़ना चाहूंगा। तभी एकदम से वेजिटा गुस्से में बोलता है कि कैकरोट इसके बस सपने देखो। पहली बात यह कि तुम ऑलरेडी लॉर्ड बीरस का सामना कर चुके हो और हार भी चुके हो, और दूसरी बात मैं आधे घंटे से तुम्हें उड़ते हुए देख रहा हूं जैसे तुम कोई बेवकूफ मुर्गी हो। इसीलिए अब लॉर्ड बीरस से लड़ने की मेरी बारी है। बीरस आ जाओ। बीरस को गोकू और वेजिटा की बात सुनकर काफी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों को लगता है कि वो लॉर्ड बीरस को हरा सकते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि लगता है तुम दोनों सैयंस भूल चुके हो कि तुम लोग क्या हो। तुम दोनों के पास फिलहाल जितनी ताकत है तुम दोनों मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं तुम दोनों से लड़ने में ही बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर हाँ मेरे दिमाग में एक सैयंस जरूर है जिससे मैं लड़ना चाहूंगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस गोजिटा वर्सेस ब्रोली की लड़ाई को याद करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं उस सैयन से लड़ना चाहता हूँ जिसने ब्रोली को हराया था। वीस ने मुझे बताया था कि उस सैयन के अंदर इतनी ताकत थी जो असल में मुझे चैलेंज कर सकती थी, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि वो ताकतवर सैयन तुम दोनों बेवकूफों की फ्यूजन से बनता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना वो अजीब सा डांस शुरू करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वेजिटा ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वो फ्यूजन डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। गोकू इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि वो गोजिटा की ताकत देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। गोकू बोलता है, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। वेजिटा फ्यूजन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बोलता है, बीरस क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम हम दोनों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते? मैं इस जोकर के साथ अपनी बॉडी शेयर नहीं करना चाहता, मैंने ये खुद से वादा किया था। गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस अगर आपको लगता है कि आप गोजिटा को संभाल सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस इमेजिन करके देखो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दोनों एक साथ होके कैसे लगेंगे। लॉर्ड बीरस स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ इमेजिन करके देखो, पर हाँ मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ कि इस ट्रेनिंग के ऑफर के लिए एक टाइम लिमिट है। तुम लोगों के पास अब 5 मिनट हैं ताकि तुम लोग गोजिटा में बदल सको, उसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ।
अब जल्दी करो, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। गोकू एक्साइटेड होकर वेजिटा से बोलता है, वेजिटा तुमने लॉर्ड बीरस को सुना ना, चलो डांस शुरू करते हैं। मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ और तुम राइट की तरफ जा सकते हो। वेजिटा गुस्से में बोलता है, कैकारोट ये बात भूल जाओ, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, तो तुम ये बात सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ बॉडी फिर से ज्वाइन नहीं करने वाला, वो भी सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। अगर दुनिया को बचाने की बात होती तो बात अलग थी, पर सिर्फ बीरस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं। अगर बीरस का यही ऑफर है तो मैं अकेले ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा। गोकू वेजिटा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बोलता है, वेजिटा प्लीज बस एक बारी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बारी हम किसी बुरे इंसान से लड़ेंगे तो हमें फ्यूजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारी नई फॉर्म अल्ट्रा ईगो आ गई है, बस एक आखिरी बारी मेरी बात मान जाओ। वेजिटा बोलता है, बेवकूफ जोकर तुम हमेशा यही करते हो। पर वेजिटा ना चाहते हुए भी बोलता है कि चलो ठीक है, मैं ये सिर्फ एक बारी करने वाला हूँ ताकि मैं इस बीरस को हारता हुआ देख सकूँ। इसके बाद वेजिटा अपनी आंखें बंद करता है और एकदम से अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके चारों तरफ से पर्पल रंग का ऑरा निकलने लग जाता है। गोकू वेजिटा की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है, वेजिटा मैं यही चाहता था, थैंक्स, मैं ये एहसान याद रखूंगा। लॉर्ड बीरस के चेहरे पे भी स्माइल होती है, वो बोलते हैं कि ये तो काफी कमाल की बात है, ये लोग मान गए। इसके बाद गोकू और वेजिटा थोड़ी दूरी पे खड़े हो जाते हैं और आखिरकार अपना फ्यूजन डांस शुरू करते हैं और आखिरकार उनका फ्यूजन पूरा हो जाता है और हम लोग एक बहुत ही फैमिलियर वॉरियर को देखते हैं जो कि होता है गोजीटा। गोजीटो वहां पर आते ही बोलता है कि मैं हूं अल्ट्रा गोजीटो। गोजीटा के बाल पर्पल और वाइट रंग दोनों के होते हैं। जैसा कि तुम जानते होगे, इस फ्यूजन में मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता। गोजीटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फाइटिंग पोज ले लेता है। गोजीटा लड़ने के लिए बहुत ज्यादा उतावला लग रहा होता है। वो बोलता है, बीरस तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। पिछली बारी जब तुम धरती पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर पिछली बारी हमने फ्यूज किया होता तो चीजें शायद पूरी तरीके से अलग होती, पर अब उस गलती को सही करने का समय आ गया है, तो तुम अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सामना करने वाले हो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सैयन का। गोजीटा को देख के बीरस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है, क्या अगर तुम होते तो पिछली बार चीजें अलग तरीके से होती, लगता है तुम उन दोनों से भी ज्यादा बकवास करते हो। अब अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट शुरू करो। तुमने अभी मुझे कहा ना कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो आ जाओ, पर मॉडल एक बात का ध्यान रखना कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोजीटा एकदम से बीरस के पास पहुंच जाता है और उसे एक बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। गोजीटा बोलता है कि चिंता मत करो बीरस, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। गोजीटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बीरस भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसकी किक से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। गोजीटा की स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी हैरान रह जाता है और गोजीटा की किक की वजह से उसे बहुत ही जबरदस्त धक्का लगता है। पर तभी एक बार फिर से बीरस नोटिस करता है कि गोजीटा उस तक पहुंच गया है और गोजीटा के चेहरे पे स्माइल है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फाइट उसके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। बीरस को देख के पता चल रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गोजीटा बोलता है, लॉर्ड बीरस अब ये मत बोलना कि उस किक की वजह से आपको चोट लग गई, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात होगी कि आपको हराने के लिए हमें फ्यूज करना पड़ा, आपको ऐसा नहीं लगता? बीरस बोलता है, मॉडल लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम दोनों बच्चों को दिखा दूं कि हकाय होने का मतलब क्या होता है। अब तुम दोनों यहां पर आओ। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं, हम देखते हैं कि गोजीटा एकदम से लॉर्ड बीरस तक पहुंच जाता है और उनके चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। लॉर्ड बीरस को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने गोजीटा की ताकत को कम समझ लिया था, पर अब वो समझ चुके हैं कि गोजीटा उनके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। गोजीटा के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है और वो फिर से लॉर्ड बीरस को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस अभी तो आपने कहा कि मैं आ जाऊं, लो मैं आ गया, क्या आप तैयार नहीं थे? बिल्ली क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? बीरस सच में तुम मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो, ये फाइट मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा आसान है। गलती से ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम मुझे ट्रेन करोगे, बल्कि ठीक इसका उल्टा होगा, लगता है मेरे से ज्यादा तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। हम देखते हैं कि बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका पारा फटने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे से गोजीटा का हाथ हट जाता है और लॉर्ड बीरस ने गोजीटा के हाथ को पकड़ रखा होता है। लॉर्ड बीरस गोजीटा से बोलते हैं कि सैयन लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, तुमने अभी तक मुझे कुछ ही बार हिट किया है जो सारे के सारे हिट्स बहुत ज्यादा कमजोर थे। तुम्हें क्या लगता है कि एक देवता को हराने के लिए इतनी सी ताकत काफी होगी? इस तरीके से तुम एक देवता के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है मॉर्टल, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुझे हिस्ट्री का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है। जैसे ही लॉर्ड बीरस ये बोलते हैं, उनके शरीर में से बहुत ही जबरदस्त ऑरा निकलने लग जाता है और गोजीटा इस ऑरा को महसूस करके बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, बीरस आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इतना जबरदस्त ऑरा कहाँ से आ रहा है? जैसे ही गोजीटा के चेहरे पे डर का एक्सप्रेशन आता है, हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम स्माइल आने लग जाती है और वो बहुत ही ईवल तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बीरस का गुस्सा बढ़ रहा होता है, हम देखते हैं कि उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही होती है और आखिरकार बीरस की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि गोजीटा एकदम से घबरा जाता है और एकदम से अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड बीरस से बहुत दूर पहुंच जाता है। बीरस गोजीटा का हाथ जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि वो गोजीटा को दिखा सके कि गोजीटा को हराने के लिए उन्हें उसका हाथ पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। गोजीटा डर के मारे कपकपा रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर लॉर्ड बीरस इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए? क्या उन्होंने हमेशा से ही इतनी ज्यादा ताकत को छुपा रखा था? गोजीटा बोलता है कि अच्छा, तो ये होती है एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। हम देखते हैं कि गोजीटा को डरते हुए देख के लॉर्ड बीरस के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है
और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। उनके शरीर में भले ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उनके चारों तरफ से बहुत ही जबरदस्त पर्पल ऑरा निकल रहा होता है। लॉर्ड बीरस गोजीटा से बोलते हैं कि चलो गोजीटा, अब असली फाइट को शुरू करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम दोनों साइंस की कंबाइंड ताकत आखिर कितनी है, जो दोनों साइंस को खुद गॉड्स और एंजल्स ने ट्रेन किया है। तुम्हें सच में खुद पे गर्व होना चाहिए, तुम दुनिया में सिर्फ दूसरे हो। कोटेला के अलावा आज तक इस फॉर्म को किसी ने भी नहीं देखा। गोजीटा को जैसे ही लॉर्ड बीरस की असली ताकत का पता चलता है, वो एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि अब हंसी मजाक का समय खत्म हो चुका है। गोजीटा एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि बीरस, हम तुम्हें कब सरपास कर पाएंगे। गोजीटा समझ चुका है कि वो बीरस को फिलहाल नहीं हरा सकता। वो खुद से बोलता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एक आखिरी अटैक जिसमें मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, चलो शुरू करें। गोजीटा एकदम से एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है। दूसरी तरफ हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त पंच बना रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस के हाथ में जो एनर्जी होती है, वो हकाई की एनर्जी होती है, जो कि उनके हिसाब से गोजीटा को खत्म करने के लिए काफी है। गोजीटा इस वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि लॉर्ड बीरस के चेहरे पे स्माइल है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि आखिरकार मुझे एक ऐसा चैलेंज मिल गया है जिसका इंतजार मैं इतने सालों से कर रहा था। लगता है आखिरकार मेरा समय आ गया है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और गोजीटा दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि ये सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लैनेट ही झेल सकता है। अगर कोई आम प्लैनेट होता तो शायद वो कप का धूल में मिल जाता। पर तभी हम देखते हैं कि गोजीटा ने इस पंच में इतना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं, और धमाका खत्म होने के बाद लॉर्ड बीरस का हाथ हवा में ही रह जाता है। लॉर्ड बीरस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। डिफ्यूज होने के बाद गोकू और वेजिटा बिल्कुल सहमे हुए खड़े होते हैं। गोकू बोलता है, अरे हाँ लॉर्ड बीरस, मैं आपको बताना ही भूल गया, फ्यूज होने के बाद अगर हम बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फ्यूजन का टाइम कम हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, हम एक बारी और ट्राई कर सकते हैं। लॉर्ड बीरस हमें माफ करना। तभी एकदम से वेजिटा एक बार फिर से चिल्लाता है। वो बोलता है, जोकर कहीं के, मैं फिर से तुम्हारे साथ फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी ड्रीम फाइट लड़ रहे थे। गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीरस इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप कहीं सच में सीरियस तो नहीं है। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस रुकिए, ऐसा कुछ जरूर होगा जो हम कर सकते हो। गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी जान की भीख मांगने लग जाते हैं। वेजिटा बोलता है कि लॉर्ड बीरस, इस जोकर को मारिए, आप जानते हैं कि ये इसका आइडिया था। मैं तो पहले से ही फ्यूजन करने के खिलाफ था, मैं पहले से ही फ्यूजन नहीं करना चाहता था। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस रुकिए, मेरे पास एक और आइडिया है, हम लोग फिर से फ्यूज कर सकते हैं, और इस बारी वो वॉरियर पिछली बारी से भी ज्यादा ताकतवर होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए हकाई का कटाई बना रहे होते हैं, पर जैसे ही वो गोकू की बात सुनते हैं, वो एकदम से हैरान रह जाते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें कैसे वॉरियर में बदल सकते हो जो कि गोजीटा से भी ज्यादा ताकतवर हो। बीस ने तो आज तक मुझे तुम्हारे ऐसे किसी फ्यूजन के बारे में नहीं बताया। लगता है यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे, क्योंकि अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी झूठ निकला तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी धरती को तबाह करने में भी एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा, ये बात याद रखना। गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि फिलहाल के लिए वो बच चुके हैं। गोकू लॉर्ड बीरस से बोलता है कि लॉर्ड बीरस, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक और तरीका है जिससे मैं और वेजिटा फ्यूज कर सकते हैं, वो एक ऐसा तरीका है जिससे गॉड्स फ्यूज करते हैं। हम लोग पोटारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम पोटारा का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग और भी ज्यादा ताकतवर फ्यूजन में बदल जाते हैं, जिसका नाम है वेजिटो, और विश्वास मानिए वो गोजीटा के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच बताऊं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही जबरदस्त टक्कर दे सकता है। वेजिटा हैरानी से गोकू की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये जोकर क्या बोल रहा है। इसे ये बात ऑलरेडी पता है कि हम फ्यूजन का इस्तेमाल करें या फिर पोटारा का इस्तेमाल करें, जब हम किसी भी तरीके से फ्यूज करते हैं तो हमारी ताकत ऑलमोस्ट बराबर होती है। अगर हम वेजिटो में बदलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे पास और भी कम समय होगा, जितना समय हमारे पास गोजीटा में था। जैसे ही लॉर्ड बीरस गोकू की बात सुनते हैं, वो एकदम से शांत होने लग जाते हैं और अपने हकाई का अटैक खत्म कर लेते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, हाँ मुझे पोटारा याद है, ये वही है ना जिसका इस्तेमाल सुप्रीम काय ने किया था कबीटो के साथ फ्यूज करने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे याद है कि बीस ने मुझे कहा था कि वेजिटो ने जमासू को भी बहुत ही आराम से हरा दिया था। वेजिटो के साथ भी फाइट काफी मजेदार हो सकती है, तो चलो शुरू हो जाओ और फ्यूज करो, क्योंकि मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। बीरस के शांत होने के बाद गोकू एक चैन की सांस लेता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफी नजदीकी मामला हो सकता था। लॉर्ड बीरस, मुझे पता था कि अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो लॉर्ड बीरस, हमें अब बस फ्यूज करने के लिए पोटारा इयररिंग्स की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा, सुप्रीम काय के पास जरूर पोटाराज होंगे, और हमें फ्यूज करने के लिए सिर्फ इतना करना है कि उन पोटाराज को अपने अलग अलग कान पे पहनना है। मैंने सही कहा ना वेजिटा? वेजिटा फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या करोट, मैं तुम्हारे साथ फ्यूज अब सिर्फ तुम्हारे सपनों में करूंगा। मैं आज तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक बारी फ्यूज कर चुका हूं, जो कि मेरे लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा शर्मनाक है। फ्यूज करने से पहले तुमने कहा था कि वो फ्यूजन हमारा आखिरी फ्यूजन होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फ्यूज करूंगा? लगता है तुम पागल हो गए हो। और जोकर कहीं के, इस बारी तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं इस बारी तुम्हारे साथ फ्यूज नहीं करने वाला। तभी हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं। लॉर्ड बीरस फिर से एक बारी हकाई का अटैक बना रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, गोकू के कहने पे तुम नहीं मानोगे, तो मेरे प्यारे प्रिंस, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरे कहने पे मान जाओगे? वेजिटा समझ जाता है कि अब उसका इस सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, और अगर वो नहीं मानेगा
तो लॉर्ड बीरस उसे हकाय कर देंगे। तभी एकदम से वेजिटा पलट जाता है और बोलता है कि अरे मैं एक बार फिर से इस बारे में सोचता हूँ, मेरे ख्याल से ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वो हमारे लिए बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग हो सकती है और वो मेरी मदद भी कर सकती है अल्ट्रा ईगो को समझने में। हाँ बहुत बढ़िया, कैकरोट जाओ और जल्दी से वो इयररिंग्स लेकर आओ, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूज करने में बहुत मजा आएगा। हम देखते हैं कि गोकू हंस रहा होता है और बोलता है वेजिटा हाँ जरूर अभी लेकर आता हूँ, लॉर्ड बीरस आपको जल्दी वेजिटो से मिलने का मौका मिलेगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू कुछ सोचने लग जाता है। वो बोलता है लॉर्ड बीरस इसमें बस एक ही दिक्कत है, अगर हम पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो पोटारा इयररिंग्स की भी एक टाइम लिमिट होती है और जैसा कि गोजिटा के टाइम पे हुआ था हम लोग एक बार फिर से लड़ाई के दौरान डिफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम लोग फ्यूज करें वैसे ही हम लोग अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करें ताकि वो लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बेवकूफ सच में उसे सच बता रहा है, बीरस एक असली और एक बड़ी लड़ाई का इंतजार कर रहा है, किसी छोटी फाइट का नहीं। कैकरोट मुझे नहीं पता कि लॉर्ड बीरस ये सुनके क्या कहेंगे, और जिस बात का वेजिटा को डरता वही होता है। हम देखते हैं कि बीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लॉर्ड बीरस एकदम से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे एक लड़ाई चाहिए और तुम मुझे एक ऐसी फाइट दोगे जो मैं चाहता हूँ, चाहे तुम्हारे इयररिंग्स ऐसा कर पाएं या ना कर पाएं। वीस अभी के अभी यहाँ पर आओ। वीस जिसका कुछ समय पहले तक यहाँ पर नामो निशान भी नहीं था वो अचानक से ही लॉर्ड बीरस के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। वीस आके बहुत शांति से पूछता है कि लॉर्ड बीरस क्या आपने मुझे बुलाया, मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ, क्या आप और ज्यादा पुडिंग खाना चाहते हैं। बीरस बहुत सीरियसली बोलता है कि नहीं वीस, पुडिंग थोड़ा सा इंतजार कर सकती है, फिलहाल मेरे पास कुछ बहुत ही अर्जेंट है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों सैयंस के फ्यूजन से लड़ना चाहता हूँ, मैं उस वेजिटो से लड़ना चाहता हूँ जो कि जमासू से लड़ा था, पर दिक्कत यह है कि अभी जो हमारे पास पोटारास हैं जिनका इस्तेमाल सुप्रीम काय करते हैं उनके फ्यूजन का समय बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के लिए क्या कर सकते हो ताकि इन दोनों के फ्यूजन का समय थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का फ्यूजन एटलीस्ट एक दिन तक टिका रहे ताकि मैं इन दोनों को मजा चखा सकूं। जैसे ही वीस लॉर्ड बीरस की बात सुनता है वो एकदम से अपना स्टाफ घुमाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पोटारा इयररिंग्स आ जाते हैं। वीस बोलता है कि लॉर्ड बीरस मैं समझ गया, ये तो काफ़ी आसान टास्क था, ये लीजिए एक सेट एंजल ग्रेड पोटारा इयररिंग्स का। जैसे ही ये पोटारा इयररिंग्स आते हैं हम देखते हैं कि एक एक पोटारा इयररिंग गोकू और वेजिटा की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि एकदम से गोकू और वेजिटा दोनों पोटारास को पकड़ते हैं। गोकू इन पोटारास को देख के काफी हैरान होता है, वो बोलता है कि ये पोटारा इयररिंग्स ब्लैक क्यों है, नॉर्मली वो ग्रीन रंग के होते हैं। वेजिटा को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है वीस क्या दुनिया में ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते हो। गोकू बोलता है कितने कमाल की बात है, ये असल में हमारे को एक दिन तक फ्यूज रखेंगे, चाहे हम जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। वेजिटा क्या तुम भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं हूँ। वेजिटा इस बात पर शांत रहता है और सोचने लग जाता है कि मुझे इस बेवकूफ के साथ फिर से अपनी बॉडी को एक करना होगा, मेरे शरीर और आत्मा के साथ ये कितना बड़ा धोखा हो रहा है, पता नहीं इस बारी मैं इस बेवकूफ के साथ कितने लंबे समय तक जुड़ा रहूंगा, मेरे लिए तो 5 मिनट ही बहुत ही बड़ी बात है, तो एक पूरा दिन मैं कैसे काटूंगा, प्लीज कोई मुझे इस बुरे सपने से जगाओ। पर आखिरकार गोकू और वेजिटा दोनों जानते हैं कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी एकदम से गोकू बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, ये उसी तरीके से करना है जैसा हमने पहले किया था, अब मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुम अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करो, चलो वेजिटा अब शुरू करते हैं। वेजिटा बोलता है कैकरोट तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करो। गोकू तभी एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और अपने उल्टे कान में इयररिंग को पहन लेता है, और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो का इस्तेमाल करता है और अपने राइट वाले कान में इयररिंग को पहन लेता है। वेजिटा बोलता है कि अब वो होने वाला है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कभी भी पसंद आने वाला है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों की बॉडी से एक दूसरे की तरफ जाने लग जाती हैं और जैसे ही दोनों की बॉडीज टकराती हैं हम देखते हैं कि आखिरकार जन्म होता है अल्ट्रा वेजिटो का, और गोजिटा की तरह ही वेजिटो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर रहा होता है। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो का जन्म होता है वो हंसता है और बोलता है कि काफी लंबा समय हो गया है कि मुझे बाहर आने का मौका मिला हो, मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि मुझे कुछ अपग्रेड दिए गए हैं, अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम है अल्ट्रा वेजिटो। वेजिटो फाइट को ज्वाइन करते ही बोलता है कि तो चलो बीरस इस फाइट को शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पर मेरे इन्फीरियर वर्जन यानी कि गोजिटा ने इस फाइट को छोड़ा था, पर हाँ मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी और देना चाहता हूँ कि मेरा नेचर वेजिटा से ज़्यादा मिलता है, तो बिल्ली ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें हराने से पहले ज़रा सा भी सोचूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बीरस को वेजिटो की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बीरस बोलता है कि मुझे तुम्हारे बोलने के तरीके से ही समझ आ रहा है कि तुम्हारा नेचर वेजिटा की तरह है, पर मुझे उम्मीद है कि वेजिटा की तरह तुम्हारा बोला हुआ खाली नहीं जाएगा और तुम अपनी बातों को पूरा कर पाओगी। सैयन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि अगर तुमने मुझे ज़रा सा भी डिसअपॉइंट किया तो ये फाइट तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फाइट होने वाली है। इसके बाद वेजिटो जरा सी भी देरी नहीं लगाता और एकदम से अटैक करने के लिए बीरस की तरफ बढ़ता है। वेजिटो एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है और बोलता है कि चलो ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें इंप्रेस करना शुरू कर देना चाहिए। अल्ट्रा वेजिटो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बीरस भी उसे नहीं देख पाता और वेजिटो जाके एकदम से बीरस के पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और इस पंच से बीरस को काफी चोट भी लगती है। बीरस बोलता है कि लगता है तुम्हारा पंच तो सच में काफी जबरदस्त है, लगता है गोकू झूठ नहीं बोल रहा था। वेजिटो इस बात पे स्माइल करता है और बोलता है कि सच बताऊं तो मेरी ताकत गोजिटो से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, गोकू तो बस तुमसे झूठ बोल रहा था,
ताकि तुम हमें वहीं के वहीं खत्म ना कर दो। पर हाँ, इस बारी एक चीज़ तो जरूर डिफरेंट है, वो ये है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हारे साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा हूँ। भले ही इस बार मेरे पास 20 के पोटारास की वजह से ज्यादा समय हो, पर इस बारी मैं इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने वाला हूँ। वेजिटो अगले ही पल बीरस के चेहरे के सामने अपना हाथ रखता है और एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट कर देता है, पर ये असल में कोई की ब्लास्ट नहीं होता। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से बीरस थोड़ा सा पुश हो जाता है, और जैसे ही बीरस खुद को संभालता है, हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से आसमान में उड़ गया है ताकि वो बीरस की तरफ स्पीड में आके उस पर अटैक कर सके। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अगले ही पल बीरस के पास पहुंच जाता है और लगातार उसे पंचेस मार रहा होता है, पर बीरस अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। बीरस को अचानक से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, वेजिटो मुझे लगता है गुजिता के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा बेचैन हो। तुम लगातार मुझ पर अटैक कर रहे हो, पर तुम्हारा डिफेंस पूरी तरीके से ओपन है, और बेवकूफ सैयन यही तुम्हारी हार का कारण बनने वाला है। वेजिटो अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है। वो बोलता है कि डिफेंस की जरूरत किसे है जब तुम लगातार अटैक करते रहो और अपने अपोनेंट को अटैक करने की ओपनिंग ही ना दो। वेजिटो एकदम से ही अपने हाथ में की स्वॉर्ड बना लेता है और एक ही झटके में बीरस की तरफ जाता है ताकि वो उसे स्लैश कर सके, पर बीरस किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। वेजिटो बोलता है, बिल्ली इस बार तो तुम मेरे बस पकड़ में आ ही गए थे। बीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। बीरस समझ जाता है कि वेजिटो बहुत ज्यादा घमंडी है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते वो बीरस को जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। बीरस बोलता है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी होते जा रहे हो। तुमने आज मुझे उतना गुस्सा दिला दिया है जितना आज तक उन दोनों ने मिलकर भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाया। लगता है इस फ्यूजन की वजह से ना सिर्फ तुम्हारी ताकतें कंबाइन हो गई हैं, बल्कि गोकू और वेजिटा की पर्सनैलिटी के दो सबसे बुरे हिस्से भी कंबाइन हो गए हैं। आखिरकार बीरस इस फाइट को सीरियस लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम ये फाइट पूरी फाइनल फाइट की तरह करें तो मैं भी अपने वार्म अप करने के इरादे को छोड़ देता हूँ। अब तैयार हो जाओ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत को झेलने के लिए। एकदम से बीरस पावर अप करने लग जाता है और बीरस के पावर अप से पूरी जमीन हिलने लग जाती है। इसके बाद बीरस और वेजिटो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वेजिटो अचानक से ही गुस्से में चिल्लाता है कि चलो बीरस मुझे दिखाओ कि आखिर तुम यूनिवर्स 7 को क्यों रूल करते हो। बीरस चिल्लाता है कि हाँ वेजिटो जरूर। वेजिटो और बीरस एक दूसरे तक पहुंच के एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त पंच मारते हैं और दोनों के पंचे टकराते हैं। वेजिटो अब समझ चुका है कि बीरस भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वेजिटो को हराने की, पर बीरस और वेजिटो के पंचे टकराने की वजह से वेजिटो नोटिस करता है कि दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर है। वेजिटो बोलता है कि बीरस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर मुझे जितना लगा था बीरस उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। लगता है मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूँ। बीरस और वेजिटो की ताकतें टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों ही इस ब्लास्ट की वजह से काफी सरप्राइज रह जाते हैं और पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि लगता है पिछले अटैक में मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया। बीरस बोलता है कि ये क्या, वो मेरी ताकत की बराबरी कैसे कर पाया, ये तो नामुमकिन होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अटैक के पुश की वजह से वो दोनों जाके चट्टानों से टकराते हैं, पर दोनों ही बिना रुके एक बारी फिर से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पर दोनों में वेजिटो ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है और बीरस भी इस बात को नोटिस करता है, और बीरस को देख के अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो इस फाइट को काफी लाइटली ले रहा है। बीरस अपने मन में बोलता है कि वो काफी ताकतवर है, पर वो ये लड़ाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा। ये फाइट कौन जीतने वाला है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। बीरस एकदम से हंसता है और बोलता है, बेवकूफ मॉडल। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो और बीरस के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे पर लगातार अटैक और पंचेस मार रहे होते हैं। उनकी फाइट इतनी स्पीड में हो रही होती है कि हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे होते। उन दोनों के ही अटैक में से इतनी ज्यादा ताकत निकल रही होती है कि पूरा प्लैनेट हिल रहा होता है। आखिरकार बीरस वेजिटो से थोड़ा सा दूर आने में कामयाब हो जाता है, और इसके बाद वो एकदम से हंसता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है। ये बहुत ही पावरफुल अटैक हकाई की एनर्जी से बना हुआ होता है, और अगर ये अटैक वेजिटो को लग गया तो वो कुछ ही पलों में मिट जाएगा। इसके बाद बीरस वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि सैयन ये लड़ाई काफी मजेदार थी, पर आखिरकार मुझे समझ आ चुका है कि तुम मुझे चैलेंज नहीं दे पा रहे हो। मैं तुम्हें एक तसल्ली जरूर देना चाहूंगा कि मैं धरती को तबाह नहीं करूंगा, पर मुझे डर है कि तुम्हारा खात्मा तो आज ही होगा, और वो भी हकाई की ताकत से, क्योंकि तुमने मुझे डिसअपॉइंट करने का गुनाह किया है। चाहे वो अल्ट्रा ईगो हो या फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मेरे सामने ये सब बेकार है, क्योंकि इस वक्त तुम सामना कर रहे हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस आखिरकार अपना हकाई से बना हुआ पावरफुल अटैक एकदम से वेजिटो की तरफ शूट कर देता है, जिसका मतलब यह है कि बीरस मजाक नहीं कर रहा है, वो अल्ट्रा वेजिटो को सच में खत्म करना चाहता है। वेजिटो इस अटैक को देख रहा होता है, पर किसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शांत होता है और एकदम से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये इस लड़ाई का अंत है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद वेजिटो एक बहुत ज्यादा फैमिलियर पोजीशन ले लेता है और एकदम से कामेहामेहा अटैक बनाने लग जाता है। हम देखते हैं कि बीरस का अटैक जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो तक पहुंचता है, वैसे ही वो अपना अटैक शूट करने से पहले गायब हो जाता है। वो एकदम से अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एकदम से बीरस के सामने खड़ा हो जाता है। बीरस बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अल्ट्रा वेजिटो ऐसा कुछ कर पाएगा, इसीलिए वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। बीरस बोलता है कि ये क्या, आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए। पर इससे पहले कि बीरस कुछ और बोल पाता, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा एकदम से बीरस के चेहरे पे शूट कर देता है। वेजिटो पे अटैक करने की वजह से बीरस अपने डिफेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो इस अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो बीरस पे ये अटैक शूट करता है, बीरस के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही तरीके से अंत हो सकता है। और इस पूरी लड़ाई का सिर्फ एक विटनेस यानी कि वीस इस फाइट को देख रहा होता है और वो भी समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वीस बोलता है कि मैं जानता था कि ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है, अलविदा।
बीरस सामा। ठीक उसी समय पे हम काइस के प्लेनेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि कबीटो काइस सुप्रीम काइस से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, लॉर्ड आपकी चाय जल्दी तैयार हो जाएगी, आप चाहें तो मैं आपके लिए चाय बाहर लेकर आ सकता हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काइस बोलते हैं कि कबीटो मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि मैं अपनी चाय खुद ले सकता हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काइस को कुछ नोटिस होता है और वो काफी हैरान होते हैं। उनके मुंह से निकलता है कि ये क्या, और अचानक से ही वो एग्जिस्टेंस से गायब हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम काइस और लॉर्ड बीरस दोनों की जिंदगी एक साथ जुड़ी हुई थी। ये सब कुछ कबीटो काइस की नजरों के सामने हुआ होता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि माय लॉर्ड नहीं। मैच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ धूल फैली हुई होती है, और इस धूल के बीच में अल्ट्रा वेजिटो खड़ा होता है, जिसने अभी अभी अपना अटैक शूट किया था। हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से हांफ रहा होता है। अल्ट्रा वेजिटो ने अपने पिछले अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, इसीलिए वो भी अपने सांस को कंट्रोल में नहीं ला पाया होता। आखिरकार वेजिटो जैसे ही अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल में लाता है, वो एकदम से बीरस को ढूंढने लग जाता है। वो बोलता है कि बीरस यहाँ पर कहीं भी नहीं है, लगता है वो मेरे अटैक से बच के कहीं पर चला गया। पर पता नहीं क्यों मैं उसकी की को कहीं पे भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि जैसे ही वो हारने लगेगा वो एकदम से गायब हो जाएगा। बीरस हमेशा ही ऐसा करता है। वेजिटो अभी भी अपने फाइटिंग मोड से बाहर नहीं आया होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीरस कहीं ना कहीं से बाहर आ सकता है। उसे अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ होता कि बीरस अब नहीं रहा, बल्कि वो इस बात से ज्यादा हैरान होता है कि बीरस जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था तो वो वेजिटो की सेंसेस से कैसे बच सकता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरीके से बीरस को सेंस कर पाए, पर उसे बीरस कहीं भी महसूस नहीं हो रहा होता। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे वेजिटो का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीरस सिर्फ फाइट को अवॉइड कर रहा है। वो बोलता है, अच्छा तो ये है महान बीरस, आज तक मुझे पता ही नहीं था कि तुम उन लड़ाइयों से भागते हो जिन फाइट्स को तुम जीत नहीं सकते। बीरस तुम कहाँ हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि ये फाइट तुम हार रहे थे, जल्दी से मेरे सामने आओ। डरपोक बीरस तुम कहाँ हो, क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो, क्या तुम हमारी ये फाइट पूरी करने वाले हो या नहीं। काफी देर बीरस को ना ढूंढ पाने पर वो एकदम से वीस की तरफ देखता है, और तभी एकदम से वीस को बुलाता है। वो चिल्लाता है कि वीस, बीरस से क्या गेम खेल रहा है, आखिर कब से ये तुम्हारे महान गॉड्स लड़ाई से बचकर छुपने लग गए। मैंने ना जाने बीरस के बारे में कितनी सारी महान चीजें सुनी हैं, और वो अब ऐसी हरकत कर रहा है। वीस मुझे बताओ कि वो बिल्ली कहाँ छुपी है, क्या वो दूध पीने गई है, या फिर वो धूप में सो रही है, या फिर वो कर रही है जो एक बिल्ली करती है, यानी कि किसी चूहे से लड़ाई, क्योंकि वो इस महान सैयन का तो सामना कर नहीं पा रहा। सच में मुझे नहीं लगता कि ये गॉड को शोभा देता है। वीस बिल्कुल शांत खड़ा होता है और बोलता है कि वेजिटो तुम सच में ना समझ हो। वीस समझ ही नहीं पा रहा होता कि वो अल्ट्रा वेजिटो को कैसे बीरस के बारे में बताए। वीस के चेहरे पे दुख होने के बजाय चिंता के एक्सप्रेशन होते हैं। वीस बोलता है, वेजिटो मुझे नहीं पता कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, पर लॉर्ड बीरस तुमसे छुप नहीं रहे हैं, बल्कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि तुमने उनका खात्मा कर दिया है। ये बात सुन के वेजिटो के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। वो बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो। वेजिटो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वीस क्या बोल रहा है। वो इस बात को सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो बोलता है, क्या मैंने उन्हें मार दिया है, तुम ये बोल रहे हो कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। पर अचानक से ही वेजिटो नर्वसली हंसने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वीस शायद उससे मजाक कर रहा है। वेजिटो बोलता है, वीस मजाक करना बंद करो, क्योंकि इसका कोई चांस ही नहीं है कि मैंने अपनी ताकत से उन्हें खत्म कर दिया हो। अगर मैंने उन्हें सच में खत्म कर दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी डेथ के बाद इतने ज्यादा काम होते। तुम इस वक्त जितने इमोशनलेस खड़े हो, मुझे नहीं लगता कि उनकी डेथ के बाद तुम इतने इमोशनलेस होते। वेजिटो बोलता है, वीस ये फालतू की बकवास बंद करो, और ये फालतू के गेम मेरे साथ मत खेलो, क्योंकि मुझे ये बचकानी चीजें वैसे भी नहीं पसंद। वीस के चेहरे पे अभी भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। वो वेजिटो के सवाल का जवाब देता है। वो बोलता है, वेजिटो मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्या तुम्हें लग रहा था कि ऐसा होने पे मैं किसी और तरीके से बिहेव करूंगा। आखिरकार मैं एक एंजल अटेंडेंट हूँ, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जरूरतों को पूरा कर सकूँ। क्या ये जान के तुम्हें अजीब लगा कि मुझे अपने असाइन गॉड की तरफ कोई भी फीलिंग्स नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्यों ना हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सारे एंजल्स इसी तरीके से होते हैं, और हमेशा से ऐसा ही होता आया है, और जैसा तुमने कहा यहाँ पर कोई भी बचकाना खेल नहीं चल रहा है, ये सिर्फ मेरी ड्यूटी है। वीस बोलता है, वेजिटो अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम सिर्फ उस तरफ देखो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद वेजिटो उस तरफ देखता है जिस तरफ वीस पॉइंट कर रहा था, और जो वो देखता है वो देख के वो हक्का बक्का रह जाता है। शुरुआत में तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या देख रहा है, पर अचानक से ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके हाथों से क्या हो गया है। हम देखते हैं कि वेजिटो जिस चीज को देख रहा था वो था बीरस का हाथ, जो कि बीरस से जुड़ी हुई आखिरी चीज है जो कि बची है, क्योंकि बीरस का बाकी सारा शरीर खत्म हो चुका है अल्ट्रा वेजिटो के अटैक की वजह से। वेजिटो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उससे ये क्या हो गया। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वेजिटो को खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे ये क्या हो गया। वो बोलता है कि आखिर मैं इस फॉर्म में कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपनी ताकत को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता, मैं कभी भी अपनी इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो वेजिटो का पार्ट था वो बह गया, और इसी वजह से मुझसे ये हो गया। लगता है उसी वजह से मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया और ये सब कुछ हो गया। इसके बाद वेजिटो उड़ता है
और एकदम से बीरस के हाथ के पास जाता है और वहां जाकर लैंड करता है। इसके बाद वो झुकता है और बीरस के हाथ को उठाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उससे क्या हो गया। वो बीरस के हाथ को उठाने के बाद काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है। इतने दुख के बावजूद भी उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि आखिर हमने ये क्या कर दिया। और इसके बाद वेजिटो वीस की तरफ मुड़के देखता है। वो सोचता है कि शायद वीस कोई रास्ता बता सके ताकि उसके हाथ उसे जो अनहोनी हो गई है वो किसी तरीके से सही की जा सके। वेजिटो वीस से बोलता है कि वीस अब क्या होगा, मुझे इसकी वजह से काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। मैं जानता हूँ कि ड्रैगन बॉल्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जिंदा कर सकती हैं। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। वीस, मैं जानता हूँ कि इस सब में मेरी गलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब कुछ ठीक करूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है, अगर जरूरत पड़ी तो बीरस को वापस लाने के लिए मैं अपनी जिंदगी देने को भी तैयार हूँ। वीस वेजिटो से इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, वो अभी भी इमोशनलेस होता है। वीस बोलता है, वेजिटो मुझे माफ करना, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, क्योंकि ऐसे केस में मैं समय को भी पीछे नहीं ले जा सकता। तुम जहां हो वहीं रहो, क्योंकि तुमने जो किया है उसका इनाम तुम्हें जल्दी मिलेगा। अभी के लिए अलविदा वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि वीस अचानक से ही वहां से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है, पर जैसे ही वीस वहां से गया होता है अचानक से ही वेजिटो को किसी की एनर्जी महसूस होती है, जो लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। जैसे ही वेजिटो इस प्रेजेंस को महसूस करता है वो बोलता है कि बीरस क्या ये तुम हो, और इसके बाद वो मुड़ के देखता है कि वहां पर कौन खड़ा है। जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो मुड़ के देखता है, हम देखते हैं कि प्लैनेट पर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए हुए हैं, यानी कि बचे हुए सारे के सारे 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सभी अल्ट्रा वेजिटो को गुस्से में देख रहे होते हैं। उन सभी के चेहरों को देख के समझ आ रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने जो गलती करी है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ना सिर्फ अल्ट्रा वेजिटो से गुस्सा लग रहे होते हैं, बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर उससे बदला लेने आए हैं। सभी के सभी गॉड्स वेजिटो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वेजिटो कहीं भी नहीं जा सकता। इस वक्त सभी गॉड्स के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि उन्हें अल्ट्रा वेजिटो को सजा देनी है बीरस की हत्या करने के लिए। पर जो दो गॉड सबसे ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं वो होते हैं बीरस का भाई चैंपा और दूसरा बेलमोड, यानी कि बीरस का बेस्ट फ्रेंड। वेजिटो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया होता कि ये सभी गॉड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। पर फिर भी वो ये बात जरूर समझ गया होता है कि इन गॉड्स का यहाँ पर आना उसके लिए अच्छी खबर नहीं होगी। वो बोलता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ये किसी दूसरे टूर्नामेंट के बारे में है तो मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। और तभी बेलमोड कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वेजिटो के हाथ में उसके गुनाह का सबूत है। वेजिटो बीरस के शरीर के आखिरी पार्ट, यानी कि उसके कटे हुए हाथ को पकड़े हुए होता है। उसे वेजिटो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो इस बात से खुश होता है कि एटलीस्ट उन्हें बीरस के गुनाहगार को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। बेलमोड को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो बीरस के हाथ को एक ट्रॉफी की तरह लेकर खड़ा है। बेलमोड बोलता है कि घिनौने सैयन, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। तो वो तुम हो जिसने हमारे साथी गॉड को मारा है। मॉर्टल, मुझे लगता है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। तुमने यही सोचा था ना, पर तुम गलत हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हें तुम्हारे धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। बेलमोड बोलता है कि इस मॉर्टल का खात्मा यहीं के यहीं होगा। हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स गुस्से में वेजिटो की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी लोग एक ही बात सोच रहे हैं, उन सभी को किसी भी तरीके से अपने साथी गॉड यानी कि बीरस की मौत का बदला लेना है। तभी एकदम से चैंपा सभी गॉड से बोलता है कि सभी गॉड्स मेरी बात सुनो, हमें ये बीरस के लिए करना होगा। हम इस सैयन के हाथों बीरस की मौत को बिना सजा के नहीं जाने दे सकते। हमें बीरस की मौत के लिए इसे सजा देनी होगी और एक साथ मिलकर बीरस को इंसाफ दिलाना होगा। कोई भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हत्या करने के बाद बचकर नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तभी चैंपा वो अटैक शूट करता है जो कि किसी भी मॉडल को इरेज कर सकता है, और वो बोलता है हकाए। और तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड्स वेजिटो के चारों तरफ खड़े होते हैं, और वेजिटो इस वक्त खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो सभी गॉड्स को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो भी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बोलने पे ये सभी गॉड्स मान जाएंगे, क्योंकि सभी गॉड्स वेजिटो को खत्म करने के इरादे से ही यहाँ पर आए हैं। पर तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी गॉड्स उसकी तरफ हाथ करते हैं, और सभी के सभी गॉड्स एक साथ वेजिटो पे हकाए के अटैक को शूट करते हैं। सभी गॉड्स के एक साथ हकाए की एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ एक डार्क एनर्जी फैल जाती है, और हम देखते हैं कि जैसे ही सभी गॉड्स का अटैक वेजिटो तक पहुंचता है, वेजिटो एक हकाए की एनर्जी बॉल के अंदर फंस जाता है, जहां पर उसकी बॉडी इरेज होने लग जाती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से दर्द से कर रहा होता है। वेजिटो इस वक्त खुद को इस हकाए की एनर्जी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सभी गॉड्स ने वेजिटो की सजा एक साथ मिलकर डिसाइड करी है, और कुछ ही पलों में उसका नामोनिशान मिट जाएगा। पर जैसे ही ये सब कुछ हो रहा होता है, हम देखते हैं कि अचानक से सभी गॉड्स और वेजिटो वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वीस भी वेजिटो की किस्मत का फैसला देखने के लिए वहां पर वापस लौट चुका था। वीस भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी हुआ वो उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वीस बोलता है कि सिर्फ ज़ेनो ही जानते हैं कि ऐसे बेवकूफ के साथ क्या होगा जो कि एक गॉड को मारने की हिम्मत कर सकता है, चाहे ये कोई हादसा था या फिर नहीं था, उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फादर, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, वेजिटो की किस्मत अब आपके हाथ में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो अचानक से एक बहुत ही अजीब सी जगह पे पहुंच जाता है, और वो वहां पर जमीन पे बैठा हुआ होता है, और ये जगह होती है ज़ेनोसामा का पैलेस, यहां पर गोगो सबसे पहले ज़ेनोसामा से मिला था। अभी हकाए के बहुत ही ताकतवर अटैक को झेलने के बावजूद भी वेजिटो काफी हद तक सही सलामत लग रहा होता है, पर वो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है। वेजिटो को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि उसके साथ ही क्या हुआ। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और इसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करता है। वो अपने चारों तरफ लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर वो सभी गॉड्स कहाँ चले गए,
क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या उन सभी को समझ आ गया कि बीरस के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था? मैं जानता हूँ कि उन सभी गॉड्स को पता होगा कि मैं बीरस को कभी भी जानबूझ के नहीं मारूंगा। मैं उस तरीके का सैयन नहीं हूँ। तभी वेजिटो को दूर से एक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि सैयन, बेवकूफ मत बनो। अगर तुम सोच रहे हो कि उन सभी गॉड्स ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम गलत हो। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? बल्कि असल बात तो यह है कि वो सभी गॉड्स तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी किस्मत का फैसला उनके किए फैसले से भी ज्यादा बुरा होगा। वेजिटो मुड़के देखता है और वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो बोलता है, तुम? हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ेनोसामा, उनके दो गार्ड्स और ग्रैंड प्रीस्ट खड़े हुए होते हैं, और वो सभी लोग वेजिटो को गुस्से में घूर रहे होते हैं। नॉर्मली ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा हमेशा ही बहुत ज्यादा शांत और खुश स्वभाव के लग रहे होते हैं, पर आज उन लोगों का ऑरा पूरे तरीके से अलग होता है। वेजिटो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, ज़ेनोसामा, क्या ये आप हो? क्या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी आप हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम समझ गए होगे। वेजिटो अभी भी बहुत बुरी तरीके से थका हुआ होता है, पर अचानक से ही वो ज़ेनोसामा की तरफ चल के जाने लग जाता है ताकि वो ज़ेनोसामा को समझा सके। वेजिटो बोलता है, ज़ेनचान, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भी ये बात जानते हो कि मैं ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अगर लॉर्ड बीरस को वापस लाने का कोई तरीका है तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, बस मुझे वो रास्ता बताओ। जैसे ही वेजिटो ज़ेनोसामा के पास चलकर जा रहा होता है, अचानक से उसके साथ कुछ होता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ज़ेनोसामा के गार्ड ने अचानक से ही वेजिटो पे हमला कर दिया होता है और उसके पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारा होता है। वो गार्ड वेजिटो से बोलता है कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं खड़े रहो, जब तक तुम्हें कहा ना जाए, जब तक हिलने की जरूरत नहीं है मॉडल। वेजिटो दर्द से कर जमीन पर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटो नॉर्मली इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर सकता था, पर 11 गॉड्स के हकाई के अटैक को झेलने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है और वेजिटो की बॉडी को अभी तक रिकवरी का जरा सा भी समय नहीं मिला है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, वो लोग बहुत ज्यादा तेज हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि वो मुझ तक कब पहुंच गया। वेजिटो ऑलरेडी जानता है कि इस वक्त लड़के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसीलिए वो ज़ेनोसामा को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, ज़ेनचान, प्लीज ये सब कुछ बंद करो, प्लीज मेरी बात सिर्फ एक बार ही सुन लो। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये मैं हूँ गोकू, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। असल में मैं इस वक्त आधा गोकू और आधा वेजिटा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये सब कुछ गलत है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो ताकि मैं आपको सब कुछ समझा सकूँ, पर फिलहाल ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही वेजिटो की बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अचानक से ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत तेजी से हिलते हैं और वेजिटो के पीछे पहुंच जाते हैं और उसकी गर्दन पे बहुत ही जबरदस्त कराटे चॉप मारते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ने इतनी तेजी से ये काम किया होता है कि वेजिटो को महसूस भी नहीं होता। वो बोलता है, नहीं, और अचानक से ही वो बेहोश होने लग जाता है। वेजिटो, जो कि अब तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा एगो दोनों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अचानक से ही बेस में आ जाता है और एकदम से जमीन पे गिर जाता है। वेजिटो के जमीन पे गिरने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम आज के लिए काफी कुछ बोल चुके हो। क्या ये बात अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि हमें तुमसे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और तुम्हारा फैसला अगले कुछ दिनों में ज़ेनोसामा के हाथों हो जाएगा? गॉड किलर, तब तक तुम्हें हमारी परमिशन है कि तुम चुप रह के सड़ते रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ होता है और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और तभी हम चेनों में किसी को जकड़ा हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं अल्ट्रा वेजिटो होता है जो कि चिल्ला रहा होता है। वो चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, पर उसका सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो चिल्लाकर भीख मांग रहा होता है कि किसी तरीके से कोई उसे आजाद कर दे, पर उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। हम देखते हैं कि वेजिटो को कैद हुए करीब 10 साल बीत चुके होते हैं और वो अभी भी चेनों में बंधा हुआ होता है। उसकी यहाँ मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। एक वॉरियर जो किसी समय पर दुनिया का सबसे महान वॉरियर था, आज वो एक जानवरों की तरह कैद है। वेजिटो की दाढ़ी भी बड़ी हुई होती है क्योंकि 10 साल से वो कैद है और इतने लंबे समय तक कैद होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पतली हो चुकी है। ना सिर्फ वेजिटो का शरीर इस वक्त कमजोर है बल्कि उसकी स्पिरिट भी कमजोर पड़ चुकी है और ये बात वेजिटो के चेहरे को देख के समझ आ रही होती है। 10 साल बीत जाने के बावजूद भी वेजिटो अभी तक फ्यूज होता है क्योंकि उसने एंजल ग्रेड पोटारास पहने हैं जो कि वीस ने उसे दिए थे और पिछले 10 साल से कैद होने की वजह से उसे पोटारा इयररिंग्स उतारने का मौका भी नहीं मिला। और फिलहाल वेजिटो के जैसे हालात हैं, उसे देख के ये लग भी नहीं रहा कि वो पोटारास को उतार पाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि गोकू और वेजिटो अपनी बची हुई जिंदगी इसी बॉडी में कैद रहेंगे। और 10 साल तक ऐसे कैद रहने की वजह से वेजिटो की स्पिरिट पूरी तरीके से टूट चुकी है और उसके अंदर वेजिटा और गोकू का जो पार्ट है वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। गोकू और वेजिटा इस वक्त दोनों ऐसे हालात में हैं जहां वो अपनी वाइफ्स और बच्चों को याद करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। 10 साल तक इतनी बुरी तरीके से कैद रहने की वजह से वेजिटा कुछ भी नहीं कर सकता, पर कभी कभार जब उसे थोड़ा बहुत होश आता है तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसे अपनी हालत पर ही रोना आ रहा होता है, क्योंकि उसे एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिल रही है जिस गुनाह को उसने गलती से किया था और वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे गुनाह की सज़ा उसे मौत से भी बदतर मिलेगी। और अपनी उसी गलती को याद करते हुए वेजिटो के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, बीरस। पर पिछले 10 साल में पहली बार अचानक से ही उसके सामने एक रोशनी आती है जो कि असल में एक पोर्टल होता है और धीरे धीरे करके वो पोर्टल बड़ा होने लग जाता है। वेजिटो को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ सच में हो रहा है या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है और वो बोलता है कि ये क्या ये असली है? इसके अंदर से जो ऑरा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है। पर जैसे ही वो पोर्टल और ज़्यादा बड़ा होता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक शख्स निकलता है और ये शख्स वेजिटो का काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना है और वो धीरे से वेजिटो के सामने कदम रखता है। ये कदम इतनी धीरे से रखा गया होता है जैसे ये शख्स किसी को नहीं बताना चाहता हो कि वो यहाँ पर आया है।
10 साल तक वेजिटो का दिमाग खाली होने की वजह से वो एकदम से शख्स को नहीं पहचान पाता। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, इस शख्स को मैंने देखा है। पर जैसे जैसे करके ये शख्स धीरे धीरे करके वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है, वेजिटो इसे धीरे धीरे करके पहचानने लग जाता है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीस, जैसे ही वेजिटो वीस को पहचानता है, अचानक से उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। वीस शांति से आके वेजिटो के सामने खड़ा हो जाता है। फिलहाल वेजिटो को ये भी नहीं पता कि वीस को वो अपना दोस्त माने या फिर दुश्मन। 10 साल में पहली बारी वीस को देख के वेजिटो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाता है कि वीस, क्या ये सच में तुम हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। आखिर क्यों, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इतना लंबा समय बीत जाने के बाद क्यों, और वो भी अब क्यों, जब मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेल चुका हूँ? आखिर इतने लंबे समय से तुम कहाँ थे? वीस जानता है कि वेजिटो इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसके कुछ भी कहने से वेजिटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वीस बहुत शांति से बोलता है कि वेजिटो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरे मुंह से सुनके तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि पिछले 10 साल में तुम काफी कुछ झेल चुके हो। पिछले 10 साल में तुम कितने दर्द को झेल चुके हो, उस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमसे उस बारे में माफी मांगूंगा। वेजिटो वीस को देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वीस इसके अलावा कुछ बोलेगा, पर वीस बिल्कुल शांति से खड़ा हो जाता है और ये चीज देख के वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो वीस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, गुस्से में वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर इस वक्त वो चेनों से बंधा हुआ है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। वेजिटो चिल्लाता है, वीस, क्या तुम बस ये कहने आए हो? इन शब्दों का मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं है, और वो भी पिछले 10 साल से मुझे गलत तरीके से यहाँ पर कैद करने के बाद। आखिर तुम्हें माफी मांगता हुआ देखकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाएगी? वीस, ये बात तुम भी जानते हो कि मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता था। बीरस हमसे लड़ना चाहता था, ना कि हम बीरस से। ये बात तुम भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं कभी बीरस को जानबूझ के नहीं मार सकता था, पर इसके बावजूद भी तुम चुप रहे। तुमने उनसे कुछ भी नहीं बोला और मुझे चुपचाप ले जाने दिया। मेरे साथ इतना गलत करने के बावजूद भी तुम खुद से नजर कैसे मिला सकते हो? इसके बाद वीस शांति से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है और एकदम से जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है। वेजिटो ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वीस बहुत ही शांत आवाज में बोलता है कि वेजिटो, मैं जानता हूँ तुम सही बोल रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि मैंने उस गलत को सही करने की कोशिश नहीं करी, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं पिछले 10 साल से बार बार कोशिश कर रहा हूँ और मैंने अपने फादर यानी कि ग्रैंड प्रिंस से तुम्हारे लिए कई बार रिक्वेस्ट करी है, पर मेरा उन्हें कुछ भी कहने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। एक बेटा अपने पिता को मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, और ये बात तुम तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होगे कि ज़ैनो के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसीलिए ज़ैनो तक पहुंचने के लिए मेरे पिता मेरे इकलौते जरिया हैं। पर तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि एंजेलिक लॉ के हिसाब से एक गॉड की मौत के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। वेजिटो, तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि बीरस को तुमने अपनी गलती से नहीं मारा है। असल में तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के कंबाइन होने की वजह से जो एनर्जी वेजिटो की साइड से आ रही थी, यानी कि अल्ट्रा ईगो की एनर्जी, उसने बीरस को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। इसीलिए मैं वक्त को पीछे ले जाकर उस गलती को सही नहीं कर सकता था, और क्योंकि एंजेलिक लॉ के हिसाब से एक बारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हटने के बाद एक एंजल को पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाना होता है जब तक एक नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट ना किया जाए। इसीलिए बीरस की मौत के साथ ही मेरी ताकतें वहीं की वहीं खत्म हो गई थी। पर मैं तुम्हें एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं तुम्हें आज़ाद कराने के लिए एक के बाद एक तरीके देख रहा था, और तभी मुझे सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में याद आया, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा इकलौता रास्ता रह गए थे। वो दुनिया में इकलौते ड्रैगन बॉल्स हैं जो इस तरीके की विश को पूरा कर सकते थे, पर जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल निकला, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के यूनिवर्स में फैली हुई हैं, और चैंपा को अपने शुरुआती 6 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए करीब 1000 साल लग गए थे, और चैंपा वो तब कर पाए थे जब वो यूनिवर्स 7 में अनलॉफुली आए थे, और ऐसा किसी भी एंजल को करने की इजाज़त नहीं है। और वैसे भी सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल हम उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे हम धरती के ड्रैगन बॉल्स का करते हैं, क्योंकि ड्रैगन गॉड जलामा उस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। उनके ऑर्डर्स के हिसाब से सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल 1000 साल में सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, क्योंकि सुपर शेनरॉन अपनी ताकतें ड्रैगन गॉड जलामा की एबिलिटी से ही लेता है। फीस की बात सुन सुन के वेजिटो थक चुका होता है, उसका शरीर अब पहले की तरह नहीं रहा। वो एकदम से खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है, और इसके बाद वो वीस की तरफ देखता है। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो वीस से पूछता है कि वीस, आखिर तुमने बीरस के मरने से पहले कुछ क्यों नहीं किया? आखिर इतना सब कुछ होने की जरूरत ही क्या थी? मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, तुम बीरस को किसी और से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो। तुम चाहते तो तुम उसे बचा सकते थे, तुम समय को पीछे कर सकते थे उसके इरेज होने से पहले, पर तुम बस खड़े होकर देखते रहे। तुम देखते रहे जब मुझे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। वीस बहुत ही शांति से बोलता है कि वेजिटो, तुम सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हो। अगर मैं कुछ ऐसा कर सकता तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा जरूर करता? तुम एक मॉडल हो, इसीलिए तुम नहीं समझ सकते कि एंजल लॉ में क्या अलाउड है और क्या नहीं। एंजल लॉ के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ में हम बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं कर सकते, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। एक एंजल की जिंदगी सिर्फ इसलिए होती है ताकि वो अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सर्व कर सके, और हमारा जन्म ही सिर्फ इसलिए होता है, इसीलिए हम कुछ भी अपनी सोच और विल के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग इमीडिएटली इरेज हो जाएंगे, जो इरेजर पॉसिबल है या तो एक या फिर हर एक टाइमलाइन से भी हो जाए। मैंने तुम्हें रिवर्सल की टेक्निक सिर्फ एक बार दिखाई है, और उस टाइम बीरस मेरे साथ थे उस चीज़ की इजाज़त देने के लिए, और मैंने वो उनके कहने पे किया था, ना कि इसलिए कि मैं ऐसा करना चाहता था। इस पूरे रूल का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि मेरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसा काम करे जो उसके और उसके सुप्रीम गाय के यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाए। ये इकलौता टाइम है जब मैं अपनी मर्जी से इंटरवीन कर सकता हूं और उस गलत को सही कर सकता हूं जो उनसे हुआ हो। वेजिटो, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारे लिए सुनना थोड़ा मुश्किल होगा,
पर बीरस की मौत इन दोनों कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं आती। और वेजिटोसान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत का खुद ही नहीं पता। अगर मैं उस मोमेंट को रिवर्स कर भी सकता होता तो तुमने वो एक्शन इतनी तेज़ी से लिया था कि अगर मैं उस मोमेंट में रिएक्ट कर भी लेता तो मेरा तुम्हें रोक पाना या फिर उसे रिवर्स कर पाना ये नामुमकिन था। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जैसे ही लॉर्ड बीरस इरेज हुए, मेरी ताकत वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। वेजिटो जैसे ही वीस की बात सुनता है, एकदम से उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब यही उसकी ज़िंदगी है, यानी कि बीरस और उसे ठीक करने के लिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चेनों में बितानी होगी। इसके बाद वेजिटो वीस से एक आखिरी सवाल पूछता है कि वीस, तो क्या अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ? क्या मैं इस नर्क से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? इस टॉर्चर भरी ज़िंदगी से मौत भी मेरे लिए इससे बेहतर होती। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे वो आखिरी होप छीनने के लिए आए थे जो मेरे पास बची थी? तभी एकदम से वेजिटो के चेहरे पे पागलों वाली स्माइल आ जाती है। वो पूछता है, वीस, कहीं तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं आए हो कि क्या मैं यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनूंगा? क्योंकि इस वक्त मैं जिन हालातों से गुजर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए हाँ भी कह दूँ। ये बोल के वेजिटो हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि पर मुझे लगता है कि वो वेजिटो होगा जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये पोटारा इयररिंग्स कभी मुझे अलग होने देंगे। तभी एकदम से वीस वेजिटो की तरफ देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि वो देख सकता है कि वेजिटो अभी भी थोड़ा बहुत मजाक कर सकता है। वीस बोलता है, वेजिटो, मुझे तुम्हारी ये स्माइल देख के काफ़ी अच्छा लगा, पर हाँ वेजिटो, अगर तुमने बीरस को ऑफिशियल कंडीशंस में हराया होता तो तुम यूनिवर्स 7 के अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते थे, यानी कि उसके लिए तुम्हें यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट होना पड़ता, जैसा कि यूनिवर्स 11 में टोपो था। अगर ऐसी कंडीशंस में तुम बीरस को मारते तो तुम्हारा अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना तय था, पर तुमने खुद को जब बीरस से ज़्यादा ताकतवर साबित किया तो तुम ऐसी कंडीशंस के अंडर नहीं थे। इसीलिए तुम्हारे ताकतवर होने से ना ही ज़ेनोसामा को कोई फर्क पड़ता है, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को। और अगर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मौत इन कंडीशन से बाहर हो तो वो सिर्फ धोखेबाजी समझी जाती है, जिसके लिए पनिशमेंट मिलती है। तुम अपने पुराने दोस्त जिरेन को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होगे। वो भी प्रूव कर चुका है कि वो बेलमोर से ज़्यादा ताकतवर है, पर वो कभी भी यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने से मना कर दिया था, जिस तरीके से वेजिटा ने भी इस चीज़ के लिए मना किया था। वेजिटो, हम इन लॉज को फॉलो करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम्हें भी इस सच्चाई को मानना होगा। वेजिटो को समझ आने लग जाता है कि वीस जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है। और अब मैं तुम्हारे पोटारास के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, तुम उस बारे में भी सही हो। जब मैंने तुम्हें वो इयररिंग्स दिए थे, तब मैंने तुम्हें बताया था कि वो इयररिंग्स तब तक काम करेंगे जब तक तुम उन्हें पहने रहोगे, और तुम्हें वो कम से कम एक दिन तक फ्यूज रखेंगे। और एंजल ग्रेड पोटारास की कोई भी लिमिट नहीं होती, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हें ज़िंदगी भर भी फ्यूज रख सकते हैं, पर ये पूरी तरीके से पहनने वाले पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुम फैसला करते हो कि तुम्हें ये उतारने हैं तो तुम फिर से अपनी पुरानी वाली स्टेट में पहुंच जाओगे, यानी कि गोकू और वेजिटा। पर मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में तुम्हें ऐसा कुछ या फिर कुछ और करने का मौका मिला होगा। वेजिटो थोड़ा बहुत शांत हो जाता है और बोलता है, वीस, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता कि जब तक मैं कह दूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की है। पर वीस, मुझे अभी तक भी एक बात समझ नहीं आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने यहाँ आकर मुझे एंजल लॉस के बारे में बताया है, मुझे ये बताया है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट नहीं था, इसलिए मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं बन सकता, और कि मैं वेजिटो के तौर पर फंसा हुआ हूँ। पर अभी भी सवाल वहीं का वहीं है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? और आखिर यहाँ आने में तुमने इतना समय क्यों लगा दिया? इतने समय में मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि मैं वापस जाकर अपनी फैमिली को देख सकूँ। मैं सिर्फ वापस धरती पर जाना चाहता था और अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था जैसा कि मैं पहले जी रहा था। पर तुम्हारी बातों को सुन के मैं समझ चुका हूँ कि मेरी पूरी की पूरी होप ख़त्म हो चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। वीस बोलता है, वेजिटो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, और ना ही मैं उस दुख और दर्द को समझ सकता हूँ जिसे तुम पिछले 10 साल से झेल रहे हो। पर मुझे लगता है कि मैं अब जो तुमसे बोलने वाला हूँ वो सुनकर तुम्हें थोड़ा बहुत सुकून ज़रूर मिलेगा। वेजिटो, मैं यहाँ तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ।